लेकिन स्टिल यहाँ पर जो रोड्स हैं उनमें जो है ना वो आई सी लेयर्स जो है ना बन गई है विच इज़ वेरी स्लिपरी यू नो लाइक इफ आप अगर चल रहे हो ना तो लाइक यू हैव टू बी सो केयरफुल के स्लिप ना हो जाओ और या उसके अलावा वेदर काफ़ी यहाँ पर जो है ना चेंज होता जा रहा है तेज़ी से डे बाई डे तो यार वेदर ड्रॉप होने की हम बात करें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस स्टफ यू शुड कैरी वेल कमिंग टू द इंग्लैंड यूके सो यार द थिंग इज़ देखो हर इंसान जो है ना हर स्टूडेंट जब आता है यहाँ पर तो वो काफ़ी कंफ्यूज होता है कि क्या हम लेकर जाएँ क्या हम ना लेकर जाएँ क्योंकि ऑब्वियसली एक तरफ जो है ना आपकी बहुत सारी नीड्स होती हैं यू नो चाहे वो क्लोथिंग हो चाहे वो किचन uh, एसेसरीज हो टॉयलेटरीज हो या स्नैक्स uh, हो ऑब्वियसली इनिशियली आपको सब कुछ uh, चाहिए होते रिक्वायर्ड है, होते हैं सो ऑन अदर हैंड आपको ये भी देखना होता है कि आपको कितना लगेज का वेट जो है ना आपको अलाउड है राइट right? लाइक बहुत सी एयरलाइंस होती है जिनका ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी मैक्सीम होता है अलाउड होते हैं so, के जी सो इंसान को बड़ा स्पेसि स्पेसिफिक होना पड़ता है सो इसीलिए आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद इट कि क्या चीज़ आपके लिए मस्ट है और क्या चीज़ अगर आप ना भी लो तो इट्स फाइन इट्स फाइन यू कैन बाय फ्रॉम हेयर सो आल कम्स फ्रॉम क्लोथिंग देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना यहाँ पर जो बहुत एसेंशियल है वो है विंटर जैकेट लाइक like, मैं अपने साथ एक विंटर जैकेट लाया था बट वो uh, रेन कोट भी था और विंटर जैकेट मतलब काफ़ी वार्म थी सो so जो कि मेरे अब तक काम आ रही है लाइक like मुझे अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही <coughs> ज़रूरत नहीं पड़ रही कि मैं एक और जाके कर लूँ क्योंकि वो इट्स मोर देन एनफ फॉर मी फॉर नाउ उसके अलावा तो आपने एक विंटर जैकेट कम अज़ कम अच्छी वाली आपने अपने साथ कैरी करनी जरूर क्योंकि जब आप अपने होम कंट्री से आओगे यहाँ पर तो वेदर कम्पलीटली चेंज होगा आपने अपने साथ रखने हैं वार्म थर्मल्स रखने हैं एटलीस्ट टू रखने हैं आपने उसके अलावा आपको स्वेट शर्ट्स रखती हैं टू मिनिमम टू आपको रखनी है फिर हुडीज रखती हैं आपको हुडीज देखो इस तरह होता है ना कि आप अगर तीन चार हुडीज तो आपको लाना चाहिए मस्ट क्योंकि ना आप क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो इनिशियली जो है न डेस में आपको काम आएंगी अगर आपको यूनिवर्सिटी जाना है अगर आपको कहीं पर बाहर जाना है तो आपको ये टेंशन नहीं होगी ये आपको बर्डन आपको नहीं होगा कि यार आपने फर्स्ट जाना है आपने शॉपिंग करनी है अपने लिए ठीक है सो दो स्वेट शर्ट जिस तरह मैंने वो किया वो आप अपने साथ रखो तीन होडिस रखो आप अपने साथ उसके अलावा अपने लिए जो है ना ग्लव्स रखो एंड मेक श्योर वो वूलन वुलन हो और थ्री पेयर्स ऑफ सॉक्स अपने साथ रखो आप उसके अलावा सिंस लास्ट टाइम यहाँ पर काफ़ी जो है ना गर्मी हुई थी ठीक है समर्स में काफ़ी जो है ना गर्मी थी सो अपने साथ तीन चार टी शर्ट्स रख लो Uh, क्योंकि अभी तो खैर यहाँ पर विंटर्स है लेकिन जब आप आओगे तो उसके दो तीन महीने बाद चार महीने बाद जो है ना यहाँ पर समर्स स्टार्ट हो जाएगा और समर्स यहाँ पर उतना तो नहीं गर्म होता है जितना हमारे होम कंट्री में होता है बट स्टिल यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने सुना है काफ़ी जो है ना यहाँ पर गर्मी हो गई थी तो अपने साथ तीन चार जो है ना टी शर्ट्स सा अपने साथ ले आओ और अपार्ट फ्राम देट अपने साथ दो फॉर्मल शर्ट्स लाओ एक ब्लैक कलर में लाओ और एक वाइट कलर में लाओ क्योंकि यू नो लाइक इफ़ आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो ऑब्वियसली जो कि पार्ट टाइम होगी फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट में एज अ वेटर अगर आप जो है ना काम करते हो तो आपको वाइट शर्ट काम आएगी अगर आप सिक्योरिटी बैच बनाते हो अगर आप सिक्योरिटी में अगर आप जॉब करते हो एस आई बैच बनाते हो तो उसके लिए भी आपको जो है ना ये ज़रूरत होगी उसके अलावा अपने पास अपने साथ एक ब्लैक फॉर्मल पैंट्स लेना उसके अलावा जो है ना जीन्स आपने बहुत ज़्यादा जीन्स नहीं रखनी बिकॉज यू नो वो काफ़ी जो है ना हैवी होती हैं ठीक है आई एम आई एम य सेल्फ लाइक मैं जो है ना चार जीन्स लाया था जो कि मुझे नहीं लानी चाहिए थी बट हर इंसान के ना अपना इट डिपेंड्स यू नो सो मैं अपने चार जीन्स लाया था देखें यार आप दो जीन्स लाओ एक ब्लू ले आओ और एक ब्लैक ले आओ और आई थिंक ये काफ़ी होंगी आपके लिए उसके अलावा एक चीनोस ले आओ इफ़ यू फील के यार वो इफ़ यू नीड सो ले आना इट डिपेंड्स ऑन यू कम्प्लीटली उसके अलावा एक वन पेयर ऑफ फॉर्मल शूज़ अगेन यू नो इट विल गो विद फॉर्मल शर्ट एंड पैंट्स और उसके अलावा आपने लानी है दो कैजुअल uh, शूज़ लाने स्निकर्स हो गए ठीक है वो भी आप एक पहन आओगे और एक आप कैरी करोगे उसके अलावा आपने जो है ना एक सेफ्टी uh, बूट्स ले आने जो लॉन्ग बूट्स होते हैं एंकल बूट्स होते हैं वो ले आना वो मस्ट है क्योंकि यहाँ पर जो है ना अगेन बारिशें बहुत होती हैं वेदर का आपको पता नहीं चलता तो वो मस्ट है वो लाना ज़रूर मैं भी लाया था अपने साथ क्योंकि ना जब अगर बारिश हो रही बार तो आपके जो बाकी है ना वो गीले हो जाएंगे सो यू नो इट विल प्रवेंट यू फ्रॉम गेटिंग वेट तो इसलिए वो ले आना अपने साथ और फिर अंडर गारमेंट्स ले आना जितना आपको बेहतर लगता है और उसके अलावा बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक की अब इनिशियली यू हैव टू कैरी एक स्मार्टफोन अलॉन्ग विध चार्जर उसके अलावा आपको अपने साथ लैपटॉप रखना है विथ uh, चार्जर अगेन और हेडफोन्स मस्ट हैं और पावर के uh, पावर बैंक बहुत मस्ट है और उसके साथ क्योंकि पावर बैंक इसलिए मस्ट है क्योंकि देखो यहाँ पर जो है ना आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है आपको जो है ना तो अक्सर इस होता है ना कि आपके फ़ोन में जो है ना बैटरी ख़त्म होती है ठीक है डेड होने वाली होती है तो पावर बैंक जो है ना आपको हमेशा वो लाइफ सेवर एक तरह से उसके अलावा जो है ना आपको अपने साथ केबल्स और अडाप्टर्स रखते हैं ठीक है यहाँ पर जो मैं आपको अडाप्टर की पिक्चर भेज दूँगा यहाँ पर लगा दूँगा वो लेना उस तरह के अडाप्टर जो है ना यहाँ पर बहुत मस्ट हैं वो आप अपने साथ लेकर आएँ तो आपको आपको ही क्या कहते हैं आपके लिए ईजी होगा अपार्ट फ्राम देट हम बात करते हैं किचन एसेसरीज के लिए तो किचन एसेसरीज में ना Uh, कुछ ज़्यादा नहीं है यू नो लाइक सेट ऑफ प्लेट्स अलॉन्ग विद स्पूंस जो आपको इनिशियली आपको काम आए uh, एक अपने लिए बस माइक्रोवेवेबल uh, प्लेट uh, रख लो अपने पास और स्पून रख लो एंड दे उसके अलावा जो रेडी टू ईट स्टफ़ होते हैं जो भी होते हैं uh, वो यहाँ से भी मिलता है और uh, अगर आप जाना चाहो तो आप ला भी सकते हो लाइक यू नो इट्स नॉट लाइक कि यार यहाँ पर आप आओगे तो आपको नहीं मिलेगा तो इसलिए आप वहाँ से ही बहुत सारा ले आओ इस तरह मत करना ज़रूरत के मुताबिक लाना कि आपके एक दो दिन आपके निकल जाएँ फिर क्योंकि ग्रेजुअली ना इंसान को ख़ुद अवेयरनेस हो जाती है उसकी सराउंडिंग्स की कि अच्छा यार कहाँ पर क्या अवेलेबल है चीज़ और कहाँ पर क्या मिल रहा है तो उसका इतना बड़ा कोई इशू नहीं है आप कुछ भी स्नैक्स अपने साथ ले आओ ड्राई फ्रूट्स ले आओ यू नो आ, तो उसके अलावा देसी स्पाइसेस जितने भी कुछ है ना हम देसी लोगों के लिए वो यहाँ पर मिल जाते हैं इजीली तो उसकी भी कुछ तरह जो है ना टेंशन नहीं यहाँ पर मिल जाता है उसके अलावा हम बात कर लेंगे फिर बेडिंग की बात कर लेंगे तो यार देखो बेडिंग में जो है ना आप अपने साथ दो शीट्स ले आओ बेड शीट्स ले आओ अलॉग विद पिलो के ठीक हो गया उसके अलावा टावर ले आना अपने लिए Uh, वो बेडिंग में नहीं आता बट अगेन टावर ले आना अपने लिए uh, क्योंकि ना यहाँ पर जो ना यू डोंट नीड टू ब्रिंक डूवे क्विल्स और यू you नो know, इस तरह की चीज़ें ना क्योंकि यो ये सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा आपको uh, अच्छी में मिल जाएगा अराउंड ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव पाउंड तक आपको मिल जाएगा डूवे मिल जाएगा आपको टॉयलेट में जो है ना आपने अपने साथ अगेन टावर रखना है सेंस uh, जो अच्छा टावल होता है वो उसका वेट होता है तो अपने साथ एक ही रखना आपने ज़्यादा नहीं रखने उसके अलावा आपने अगेन टूथब्रश हो गया टूथपेस्ट हो गया आपके जो हैंड वॉश हो गए सैनिटाइज़र हो गया आपके फेस वॉश हो गया स्क्रब्स जो भी हैं वो अपने साथ आप रख लो शैम्पू रख लो अपने साथ आ, फेस वॉश और स्क्रब्स आप जो है ना अपने साथ वहाँ से रख लो क्योंकि जो है ना यहाँ पर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि आपको जो है ना वही चीज़ें मिले यहाँ पर कॉस्मेटिक्स uh, में कुछ डिफरेंस होगा तो अपने साथ आप ले आना इनिशियल डेज के लिए फिर जब आप अगेन आप जब को जब आप पर आपको अवेयरनेस हो जाएगी कि अच्छा यार यहाँ पर ये चीज़ मिलती है चीज़ मेरे लिए सूटेबल है चीज़ नहीं है तो अगेन थिंग्स विल गेट इजी फॉर यू सो अभी हम बात करते हैं मेडिसिंस की यार देखो इफ़ मैं अपनी बात करूँ ना तो अगर आप मेरे पुराने विवर तो आपको पता होगा कि यार बैक इन ट्वेंटी आई हैड एन एक्सीडेंट सो उसके से आ, मेरी अभी तक जो ट्रीटमेंट और मेडिसिन हैं वो कंटिन्यू हैं तो इसलिए जो मेरी मेडिसिन थी वो मैं काफ़ी ज़्यादा अपने लेकर आया था जिसमें बहुत सी चीज़ें थी लेकिन आपके लिए जो एसेंशियल है वो आप ले आओ एंटीबायोटिक्स ले आओ यहाँ पर उसके अलावा आप पेन किलर्स ले आओ पेराडॉल होगी जो भी होगी वाइटामिन डी टैबलेट्स ले आओ क्योंकि यहाँ पर जो है ना धूप दो बुसरग निकलती नहीं ठीक है, है तो वाइटामिन डी टेबलेट्स वुड हेल्प यू सो उसके अलावा एंटी एलर्जीस ले आओ ठीक है आपका थोड़े इन्फेक्शन होते हैं आपको फ़्लू या वायरल अगर आपको होता है तो यू नो एंटी एलर्जी आप ले आओ ओ आर एस ले आओ अगर आपका स्टमक इशू है या अगर आप आ, को डिहाइड्रेशन हो जाती है तो आप अपने लिए साथ आर एस भी ले आओ उसके अलावा यू नो आई थिंक लाइक ये सारी चीज़ें मोर इनफ हैं एन इंडिविजुअल लेकिन जो अदर एसेसरीज हैं लाइक इफ़ अगर आपका आई साइट का इशू है तो अपने साथ दो तीन ग्लासेस बना के ले आना मेक श्योर ठीक है यहाँ पर जो है ना बहुत एक्सपेंसिव हैं तो लाइक टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड की जो है ना खाली एक ग्लासेस बनते हैं उसके अलावा परफ्यूम्स हो गए कोलोन्स बॉडी स्प्रे डिओड्रेंट्स ये अपने साथ ले आना ठीक है इनिशियली लेकर आना बहुत ज़्यादा मत लेकर आना इनिशियली जितने भी आपको एक एक हैं वो लेकर आ जाना फेस लोशन और क्रीम जो भी है वो आप ले आओ क्योंकि यहाँ पर जो है ना काफ़ी वेदर ड्राई है तो जो है ना स्किन आपकी ड्राई हो है, जाती है बिल्कुल डेड छूट जाती है अपार्ट फ्रॉम देट अपने साथ हेयर ऑयल लाना ठीक है ड्राइनेस अगेन मैं अपने साथ मस्टर्ड ऑयल मैंने कैरी किया था जो कि मैंने अभी तक लगाया ही नहीं लगाऊंगा लेकिन टाइम मैनेज करना जो है ना काफ़ी यहाँ पर चैलेंजिंग होता है टाइम मैनेजमेंट सो या अपने साथ हेयर ऑयल ले आना मॉइस्चराइजर जो भी अपने साथ ले आना आप उसके अलावा सेफ्टी लॉक्स ले आना अपने साथ फॉर बैग्स यू नो बिकॉज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना ऐसा होता है कि आपको आइडियल सिचुएशन में आप नहीं होते हो ठीक है ना क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि यहाँ पर अकोमोडेशन का भी बड़ा इशू हो रहा है सही है ना जो स्टूडेंट एकोमोडेशन है वहाँ पर इतना वो अकोमोडेट नहीं कर पा रहे तो इनिशियली आपको जो है ना किसी प्राइवेट एकोमोडेशन पे रहना पड़ता है और बहुत सी सिक्योर होती हैं बहुत सी सिक्योर नहीं होती बहुत सी शेयरिंग हाउस होते हैं तो मेक श्योर कि आपके पास आपके बैग लॉक्स हो कि अगर आपको अपने लगेज पर अगर लॉक लगाना है अगर आपको किसी चीज़ से अपने डोर पे लॉक लगाना है तो आप इजीली लगा सको और आप टेंशन फ्री हो कि यार अच्छा मेरी कोई चीज़ घूम नहीं जाएगी या चोरी नहीं हो जाएगी सो या लाइक इट्स इट्स पेडी बट यू नो अगेन इट्स वैल्यूएबल ये था सब कुछ वट टू कैरी इन योर लगेज और uh, उसके अलावा आप देख लो जो भी चीज़ मैंने अगर मिस कर दी है या जो भी अगर क्वारी या कन्फ्यूजन है आपको तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन uh, में दिया होगा और यहाँ पर भी आ रहा होगा यूजर ने मेरा अगर आपको कुछ पूछना है यू कैन कमेंट डाउन बिलो एज वेल एज यू कैन लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल डोंट फॉकेट टू प्रेस द बेल आई कैन एज वेल सो येस आई सी यू नेक्स्ट वीडियो सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी सो येस डू सब्सक्राइब अल्लाह